कक्षा 10 एक्सरसाइज 9.8 हम इसका 13वां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। तो ये देखिए ये समुद्र तल है, यहां से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस वो होते हैं जो समुद्र के बीच में खड़ा होता है, लाइट मारता है दूर दूर तक ताकि शिप्स को पता लग जाए आगे कुछ लाइट हाउस है उनको दिशा दिखाने के लिए। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, एक जहाज है यहां पर एक जहाज है यहां पर, ऊपर से देखने पर अवनमन कोण। तो मैंने आपको बताया था हमारी नजर की सीध में और नीचे किसी चीज को देखें तो ये जो कोण होता है इसको कहते हैं अवनमन कोण। तो ये जो पहला कोण होगा ये दो कोण है इस प्रकार, एक होगा 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। तो अपने आप से बात करती है ये छोटा कोण है तो ये होगा 30 डिग्री और ये बड़ा कोण है तो ये होगा 45। और हमने किया था समांतर रेखाओं में ये होते हैं एकांतर अंतर कोण, तो ये कोण और ये कोण एकांतर अंतर कोण होंगे और ये बराबर होंगे, ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये पूरा 45 डिग्री है तो ये पूरा हो जाएगा 45 डिग्री। तो अब हम इस आकृति को नाम दे देते हैं ए बी सी डी, यहां ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हम प्रश्न को पूरा पढ़ते हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी यानी कि ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें ये 75 मीटर दिया हुआ है तो हम ये जो दूरी है BC इसको मान लेंगे x। मान लो BC बराबर x मीटर और यहां BC को x नहीं हम सीधा लिख के मान लो दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर x मीटर। दो जहाज हैं C और D, इनके बीच की जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं h मीटर। तो इसमें भी दो अलग अलग त्रिभुज हम अलग से बना लेते हैं। जब आप दो बना लोगे त्रिभुज तो इससे आपको फायदा ये होगा कि आप दोनों आकृतियों को अच्छे से देख पाओगे समझ पाओगे। एक त्रिभुज हो गया ये ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ये वाला बना लो ए बी डी। यहां ये हाइट हमें दी हुई है 75 मीटर, ये कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। तो परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस हमें निकालना है तो मैं निकालता हूं परपेंडिकुलर बटा बेस और ये बराबर होता है 10.45 के। इससे ऊपर मुझे लिखना था इन ट्राइंगल ए बी सी। तो अब देखिए परपेंडिकुलर है ये जिसकी लंबाई हमें दी हुई है 75 मीटर बटा बेस बी सी बराबर 10.45। 10.45 की वैल्यू होती है 1। तो ये BC इसके साथ भाग रहा उधर जाएगा तो एक के साथ गुना हो जाएगा तो ये आ गया 75 मीटर। इसका मतलब हमारे पास BC जो है वो 75 मीटर आ गया। बच्चों ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं आप सभी ध्यान से सुनेगा, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें दो त्रिभुज बन रहे हो एक छोटा एक बड़ा, इनमें से जिस त्रिभुज में 45 डिग्री एंगल होगा उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने 45 डिग्री वाले एंगल वाले त्रिभुज को पहले हल किया, क्यों? क्योंकि इसमें हम tan या cot की वैल्यू यूज करते हैं और tan 45 भी 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है। उसका फायदा ही होता है जितनी परपेंडिकुलर होगा उतनी ये बेस आ जाएगा, या अगर बेस दिया होगा तो उतना ही परपेंडिकुलर आ जाएगा। देखिए यहां पर ये BC उधर 1 से गुना हुआ तो BC बराबर 75, यानी जितनी परपेंडिकुलर था उतना ही बेस आ गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि कोण 45 डिग्री। याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें दो ऐसे त्रिभुज बन रहे हो छोटे बड़ा
तो जिसमें 45 डिग्री का कोण है वो त्रिभुज पहले हल कर लो, उससे आपको एक दूसरी भुजा और मिल जाएगी। तो इसको हम यूज करेंगे। अब हम लेंगे बड़े वाला त्रिभुज ए डी और बी। तो आइए शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, फिर से वही परपेंडिकुलर बटा बेस बराबर, अब जो हमारे पास कोण है वो है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है टेन, तो ये हो गया टेन 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें जो परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 75 मीटर बटा बेस, बेस है बीडी, बीडी किसके बराबर होगा, ये हमने अभी निकाला है 75 मीटर, तो 75 मीटर प्लस एक्स, ये होगा पूरा बेस बीडी, यानी कि 75 मीटर प्लस एक्स, और टेन 30, टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट तीन, रूट तीन के बराबर। तो अब हम इसे हल करेंगे, ये है 75 मीटर बराबर, ये जो है ये उधर जाके गुना हो जाएगा, 75 गुना रूट तीन प्लस रूट तीन को एक्स से गुना कर दो, रूट तीन एक्स, सबको क्लियर है ये। अब इसके बाद 75 मीटर हमें एक्स की वैल्यू निकालने, तो इनको अकेला छोड़ने, तो 75 रूट तीन यहां प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बाकी बच गया रूट तीन एक्स। अब इन दोनों में से 75 कॉमन आ गया, यहां से बच गया 1 माइनस, यहां से बच गया रूट तीन, रूट तीन इसके साथ गुना हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, और ये बराबर आ गया एक्स, ये बराबर आ गया एक्स के। अब हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, 75 इंटू 1 माइनस रूट तीन, इसको रूट तीन से भाग कर दो और रूट तीन से ही गुना, और ये बराबर आ गया एक्स के। अब आप देखिए 75 इंटू 1 माइनस रूट तीन गुना रूट तीन बटा रूट तीन गुना रूट तीन हो जाएगा तीन, तीन से 75 कट गया 25, तीन से 75 कट गया 25। अब आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास आ गया 25 गुना एक, 25 गुना रूट तीन, 25 रूट तीन माइनस 25 को रूट तीन गुना रूट तीन होगा तीन, तीन को 25 से गुना कर दो 75, तो ये हमारे पास कितने मीटर जो है, ये हमारे पास दोनों नहरों, दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो हम लिख देंगे दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर 25 रूट तीन माइनस 75 मीटर। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है।